पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का बदला नियम, अब रखना आवश्यक है इतने पैसे। यदि आपने या आपके रिश्तेदारों ने पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खोला है तो ये खबर आपके काम की है। 12 दिसंबर से सेविंग अकाउंट को लेकर पोस्ट ऑफिस के नियम बदल रहे हैं। नए नियम के अनुसार आप आज के समय में जितना मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रखते हैं, 12 दिसंबर से आपको अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से ज्यादा रखना होगा। मेंटेनेंस चार्ज से बचने के लिए अपने डाकघर के बचत खाते में 11/12/2020 तक मिनिमम 500 रुपए जमा कर लें। इंडिया पोस्ट के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को किसी दिन बचत खाते में मिनिमम 500 रुपए मेंटेन करना होगा। इंडिया पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट में बढ़ोतरी कर दी है। पोस्ट ऑफिस का ये नया नियम आगामी 12 दिसंबर से लागू होगा। 11 दिसंबर तक अकाउंट में जमा कर ले मिनिमम बैलेंस राशि। इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अगर वित्तीय वर्ष के आखिर में सेविंग अकाउंट में 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस नहीं रखा जाता है तो 100 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर काट लिए जाएंगे और अगर अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाता है तो अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। यदि आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। इस तारीख से खरीदे मात्र 60 रुपए में शेयर। यदि आप शेयर खरीदने के शौकीन हैं या फिर आप शेयर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट में एक और आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हिट करने वाला है। बर्गर किंग को आईपीओ 2 दिसंबर को पूंजी बाजार में आएगा और कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के तहत शेयरों की बोली लगाने के लिए कीमत का दायरा 59 से 60 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी ने निवेश जुटाने के लिए कहा कि प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत अमेरिका स्थित बर्गर किंग की भारतीय सहायक कंपनी 810 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें 450 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी ने बताया कि उसकी प्रवर्तक इकाई क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एशिया 6 करोड़ शेयर तक बेचेगी जो करीब 360 करोड़ रुपए मूल्य के होंगे। कंपनी ने आईपीओ से पूर्व नियोजन के तहत राइट्स इशू के जरिए 58.08 करोड़ रुपए और तरजीही आवंटन के जरिए 91.92 करोड़ रुपए जुटाए। जानिए बर्गर किंग इंडिया के सीईओ और बोर्ड सदस्य राजीव वर्मा के मुताबिक शेयर की वैल्यू क्या है। इस तरह नए शेयरों का निर्गम 600 करोड़ रुपए से घटकर 450 करोड़ रुपए का रह गया। कंपनी ने बताया कि आईपीओ के जरिए जुटाए गए धन का इस्तेमाल मुख्य रूप से पूरे देश में कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर का विस्तार करने और कर्ज चुकाने में किया जाएगा। तो यदि आप अपने या अपनों के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद सुनहरा मौका है जहां आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुल्हड़ में मिलेगी चाय, रेल मंत्री ने किया ये ऐलान। चाय के शौकीनों के लिए खास खबर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि आने वाले समय में देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय मिलेगी। राजस्थान के अलवर में ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर ढिगावड़ा बांदीकुई रेलखंड पर विद्युतीकरण रेलमार्ग के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, आज देश में लगभग 400 रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय मिलती है। स्टेशन पर सिर्फ कुल्हड़ में चाय मिलेगी। आगे चलकर हमारी योजना है कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुल्हड़ में चाय बिकेगी। प्लास्टिक मुक्त भारत रेलवे का भी ये योगदान रहेगा। इससे लाखों भाई बहनों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले एक जमाना था जब रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय मिलती थी। ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर था और गंदगी भी कम होती थी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।